नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे 50 लाख प्लस रुपए अकाउंट में आए और साइबर पुलिस जो है FIR दर्ज करके दो लोगों को गिरफ्तार कर ली गई। और एक कैसे हो गया और क्या आपका अगर अकाउंट फ्रीज ब्लॉक होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे कहीं से आ जाते हैं गलती से, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। हमारे एक जो है खास व्यूअर्स हैं जो कि इनके संग ऐसा हुआ है, उनको कल के ही डेट में जो है साइबर पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले गई। बट आपको हम सतर्क करेंगे, बताएंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस चीज से बच सकते हैं। काफी हद तक लोग संग फ्रॉड हो रहा है, जो है गलत तरीकों से अकाउंट आपके नाम का कोई यूज और कर रहा है, पैसे किसी और से मंगा के इस्तेमाल कर ले रहा और फंस आप जा रहे हो। तो प्रॉपर जानकारी लेने वाले हैं, आप ये गलती नहीं करोगे। अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप कभी भी ऐसी चक्कर में नहीं फंसोगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स हैं जो कि इनके जो है दो भाई थे, सॉरी एक भाई और एक बेटे थे, और दोनों लोगों को जो है साइबर पुलिस जो है हैदराबाद से आकर ले गई। बट मैं आपको पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कुछ जानकारी को जो है नहीं आपको शेयर करना है सिक्योरिटी रीजन। बट आपको मैं सतर्क करूंगा कि आपके संग ऐसी चीज ना हो, आप बच के रहें। सो पहला कारण, अगर दोस्तों आप कभी भी जैसे मान लो किसी संग फ्रॉड नहीं किए हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है, अगर आपके अकाउंट में रॉन्ग पैसा आता है बड़ा अमाउंट, दोस्तों सबसे पहले अपने अकाउंट में आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा रजिस्टर करना है। हर 3 महीने के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना मेल आईडी आपको चेक करते रहना है कि मेरा मोबाइल नंबर, मेरा मेल आईडी मेरे अकाउंट में लिस्टेड है कि नहीं है, मैसेज हमारे अकाउंट से हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको प्रॉपर चेक करने हैं। दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि गलत गलत तरीकों से, जैसे कहने का मतलब है कि आपके अकाउंट में गलत तरीके कोई आपको दोस्त मित्र आपको बता दिया, आपका कोई दोस्त है वो पैसे कमा रहा है, किसी तरीके से आपको सलाह देगा कि आप भी इसमें ज्वाइन हो जाओ, आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे कहानी क्या है पहले वो आप जान लो, फिर आपको रास्ता बताऊंगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे एक व्यूअर्स है जो कि इनका एक भाई और एक बेटा, जो कि उनके अकाउंट में 50 लाख प्लस के समथिंग दोस्तों पैसे आए। पैसे आने के बाद जो है उनके पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई भी ईमेल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, पता भी नहीं चला। और उनके पास जो है साइबर पुलिस आई, लोकल पुलिस का मदद लेते हुए उस नोटिस जारी करते हुए और गिरफ्तार करके ले गई। अब धाराएं की बात करो 420 सेक्शन जो है लग चुकी है। बट यहाँ फ्रेंड इसमें कारण ये है, क्या ये चीजें होने के बाद क्या आदमी को निकाला जा सकता है, पहले आपको मैं जानकारी दे दूं। फ्रेंड देखिए, जब भी अगर आपके पास कोई पैसा आता है तो आपके पास मैसेज भी आता है, बट ऐसा कोई मैसेज न आने की वजह से अगर ये बैंक में जाके पहले से वहां पे फॉर्म सबमिट कर दिए होते कि जो है हमारे पास इतने पैसे रॉन्ग आए हैं, तो इस बिहाफ पे उनके पास एक प्रूफ होता। बट ये जो है किसी टाइप का इनके पास मैसेज मेल नहीं आया और इस चक्कर में फंस गए। बट तो यहाँ पे आपको बता दो कि आज के टाइम में लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जैसे कि P2P क्रिप्टो में USDT से सेल करना, सेलर बनना, और जॉब के नाम पे पैसे मंगवाना, किसी का काम कर देना, ये सारी चीजें हो रही है। तो फिर यहाँ पे रियलिटी ये है, इसी सब कारण की वजह से उनको दिक्कत हो गई। अब सोचिए कि घर वालों पे क्या बीतेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो है हो गया काम आपको पता ही है। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सो प्लीज अगर आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट है तो अपने अकाउंट को प्रॉपर चेक करते रहें। और दोस्तों किसी को भी समझ जाओ कि आपका कितना भी खास क्यों ना हो, कोई आपको अगर लाख करोड़ रुपए का लालच दे तब भी आपको अपना अकाउंट नहीं देना है। दोस्तों यहाँ पे लोग अपने अकाउंट को दूसरों को दे रहे हैं, लोग यूज करो, जो बेनिफिट आएगा हमको भी दो। उनको पता नहीं है कि आपका अकाउंट को गलत तरीके से यूज करके आपको लोग फंसा दे रहे हैं। दोस्तों ये आपको इस चीज से बचना है, किसी को अकाउंट नहीं देना है, अपना बैंक डिटेल्स, अपना अकाउंट नंबर किसी भी रॉन्ग पर्सन को
नहीं देना है, ये बातें याद रखना। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आता है तुरंत ही आपको जो है पुलिस में कंप्लेंट भी करना है, बैंक में जाकर रिपोर्ट भी करना है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। और मेल आईडी मोबाइल नंबर जरूर आप चेक करते रहें कि मेरा मेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट है कि नहीं। यहाँ पे लोग ऐप के थ्रू, कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी काम के थ्रू आपके नंबर को चेंज कर दिया जा रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बैंक में जाके सिग्नेचर करो, फॉर्म भरो, जाके नंबर चेंज होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे तरीकों से चेंज हो जा रहा है जो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। बट इतना आपको बता दूं कि इस चीज को आपको ध्यान लेके चलना है और अपने आप को बचाना है। अगर फ्रेंड आपका अकाउंट फ्रीज ब्लॉक होता है तो नियर साइबर पुलिस में आपको कंप्लेंट नहीं करनी है। जहां से कंप्लेंट आया है, जिस सिटी से कंप्लेंट आया है, उसी सिटी के हेड ऑफिस में आपको कॉल करना, या तो वहां के जो है हेड ऑफिस साइबर में आपको वहां पे जाना है, वहां पे जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है। जो भी आपका अकाउंट पे होल्ड लगा रहेगा, जो भी आपसे वहां पे बताया जाएगा, उसी के भी आप फॉलो करके आपका अकाउंट कन्फ्यूज जाएगा। तो आपको बचना, नहीं तो आपके ऊपर ही वीफायर हो सकता है। और यहां तक कि अगर बड़े अमाउंट है, अगर आपके संग जैसे कि मतलब कोई फ्रॉड किया है, आप संग फ्रॉड हुआ है, आप चुप बैठ गए, किस कहीं पर रिपोर्ट नहीं किए, तो आपको जेल भी हो सकती है। आपको ये गलती नहीं करना है, चाहे आपके घर की माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, सबको बता के रखना है। कोई भी खास दोस्त भी आ जाए, बैंक डिटेल्स नहीं देना है, ये बातें याद रखना। चाहे अकाउंट जीरो बैलेंस हो, चाहे आपका मेंटेनेंस करने वाला हो, अगर आप ये गलती करते हो तो आप भी जरूर इस चीज में फंस जाओगे, बाद में आप पछताओगे। तो आप समझ चुके होंगे शायद मेरी बात को, मैं जो हमारे व्यूवर्स को साइबर पुलिस पकड़ के ले गई, उनके बारे में मैं आपको सारी चीजें खुल के नहीं बता सकता। कुछ सिक्योरिटी रीजन है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट मैंने आपको हिंट दे दिया एकदम रियलिटी तौर पे। मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, 50-70-60 मेल रोज के आते हैं, सेम प्रॉब्लम, बट कहीं ना कहीं गलती लोगों की हो रही है, लोग गलती कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, उसमें शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।